जैन साहब आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, और आप सोच रहे कि फिर से क्या जैन साहब के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। जी नहीं, कनेक्शन चुस्त दुरुस्त है, लेकिन जैन साहब आज पारिवारिक समारोह में व्यस्त होने के बावजूद हमारे लिए समय निकाल रहे हैं और अपना फर्ज करते हुए ड्यूटी निभा रहे हैं। तो जैन साहब धन्यवाद, आपने अपने पारिवारिक और निजी समय में से भी समय निकाल कर इसके लिए जुड़े हैं, फोन पर ही सही। बताएं सर, आज का स्टॉक आपका जैन साहब का जेम्स। थैंक यू सो मच अनिल जी, आप इतना समझते हैं और इतना मुझे वो किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनफैक्ट मेरी यही तमन्ना है कि मैं 27 जुलाई जिस दिन पूरा एक साल होगा जैन साहब के जेम्स के सीरीज को, तब तक मैं एक भी दिन एब्सेंट नहीं रहूं, ऐसा मेरा रिकॉर्ड बनाने की इच्छा है। तो भगवान की दया से 20-25 सेशन भी रह गए हैं तब तक। तो आज का जो स्टॉक है अनिल जी वो है एमटार टेक्नोलॉजीज, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है और ऐसा स्टॉक है। मार्च की 3 से लेकर 5 तारीख तक ये आईपीओ चला था इसी साल में और 200 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था ये स्टॉक, 650 गुना एचएनआई में और 128 गुना क्यूआईबी में और 28 गुना रिटेल में। इस तरीके के ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स वाले और ऐसे डिमांड वाले स्टॉक को अगर देखें तो ठीक है, 574-575 पे आईपीओ प्राइस आई थी और 1000 रुपए पे है, और अभी भी मुझे जिस तरीके के फंडामेंटल्स है, मतलब 100-150-200% अगर ग्रोथ कोई कंपनी ने दी है पिछले 5 साल में, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। और जो एंट्री बैरियर्स है इस सेक्टर में बहुत ज्यादा है, ये डिफेंस और न्यूक्लियर और इनके लिए स्पेशलाइज्ड वो बनाते हैं सॉल्यूशंस, तो मुझे लगता है कि और बाहर की कंपनीज में भी, इंडिया के भी न्यूक्लियर प्रोग्राम में, डिफेंस प्रोग्राम में काफी सारे ऑर्डर हैं इनके पास और बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक, हेल्दी फाइनेंशियल्स और एवरी ईयर फाइनेंशियल्स और इंप्रूव हो रहे हैं। बहुत हाई मार्जिन प्रोडक्ट में ओपीएम एनपीएम दोनों बहुत जबरदस्त है, प्रोमोटर पेडिग्री बहुत जबरदस्त है और सबसे बढ़िया बात 50 साल का एक्सपीरियंस है प्रोमोटर्स का। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 50% के लगभग तो प्रोमोटर्स का है, बट 24-25% एफआईआई डीआईआई का है और भी कुछ नामचीने इंडिविजुअल लिस्ट में भी अगर इन्वेस्टर देखे तो वो है। सो ओवरऑल रिटेल का पोर्शन बहुत कम है इसमें, 9-10% रिटेल होल्ड करता है, बाकी ओवरऑल पूरे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। और 1000 रुपए के ऊपर का स्टॉक है तो जनरली अपना मूव अलग तरीके से देता है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल निवेशित रहें, इन लेवल्स पे निवेश करें। बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन है पिछले कुछ महीनों का आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग, तो 1200-1250 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे। ओके, तो 1200-1250 के टारगेट्स के लिए एमटीएआर टेक्नोलॉजीज, इस पर आप करें खरीदारी, नजर रखें काउंटर पर, आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख सकता है। शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने जेम स्टेयर्स।